बाद भी बहुत मार पड़ती थी, जब बहुत मार पड़ती थी, लैपटॉप पे खेलता रहता था बहुत बहुत, होमवर्क नहीं करता था, स्कूल से कंप्लेन आती थी। हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज है मदर्स डे, सो आज मैं अपनी मम्मी जी को बुलाऊंगा यहाँ पर और यू नो उनसे कुछ बातें करेंगे, अपने बचपन की बातें, अपने प्रेजेंट की बातें और मतलब एक जर्नी जो शुरुआत से लेके अभी तक हमने की है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ एज अ प्रोफेशनल फुल टाइम स्ट्रीमर। तो जानते हैं कि यू नो उनके पर्सपेक्टिव से कि कैसा रहा अब तक का सफर और कैसा उनको फील होता था बचपन में, अभी कैसा फील होता है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सो गाइस, मम्मी यहाँ पर आ चुकी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि बचपन में कैसा एक्सपीरियंस था। जस्ट अ क्विक नोटिस, कमेंट डाउन बिलो हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गेम हैज बीन यूज्ड इन दिस होल वीडियो। तो बचपन में जब गेम खेलते थे तो कैसा रहता था, क्या क्या करते थे? हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी, जब देखो गेम, जब देखो गेम, और कोई काम ही नहीं रहता था। स्कूल से आते थे गेम खेलने आ जाते, स्कूल से आता था बस गेम लेकर बैठ जाता, पापा को मोबाइल ले रहा था, मेरा मोबाइल लेता था, बस गेम 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 खेलने बैठ जाता था। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी। फिर पहला कंप्यूटर कैसे ला के दिया था? फोर्थ में पढ़ता था, बगल वाले घर में कंप्यूटर था, चला जाता था गेम खेलने के लिए, मेरे को गुस्सा आती थी, मैं लॉक कर देती थी तो फिर दरवाजा कूद कर चला जाता था। दरवाजे खुलते भी कि मेरे को गेम खेलना है, फिर गुस्सा आती थी, फिर मैंने इसको लैपटॉप लेकर दिया, फिर लैपटॉप लेकर एक किनारे बैठा रहता था और गेम खेलता रहता था। उसके बाद भी बहुत मार पड़ती थी, जब बहुत मार पड़ती थी, लैपटॉप पे खेलता रहता था। होमवर्क नहीं करता था, स्कूल से कंप्लेन आती थी, उसके बाद फिर गेम 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 सारा दिन गेम गेम, जब देखो गेम देख लेकर बैठा रहता था। और जब कैफे जाके खेलता था फिर तभी गुस्सा आती थी, मैं स्कूटी लेकर पहुंच जाती थी, वहां जाता था दोस्तों के साथ, तो वहां पे आके पकड़ लेती थी मुझे गेम खेलते हुए, फिर यू नो बेइज्जती होती दोस्तों के सामने, बट ठीक है, गेम खेलने का शौक था तो पूरा करना था। दोस्त आते थे घर में बुलाने के लिए, बाहर गेट के पास खड़े रहते थे तो मैं गेट में लॉक लगा देती थी, मैंने नहीं जाने जाने देना है, फिर गेट कूद कर चला जाता था, कभी कभी सो जाती थी गेट कूद कर चला चला जाता था। दरवाजे खुलते भी हैं। अच्छा, तो फिर गेम खेलते थे तो क्या नंबर नहीं आते थे? नहीं, नंबर पढ़ने में तो ठीक था, कहता था मैं रात को पढ़ाई कर लूंगा। तो पढ़ाई भी अपनी जगह है, गेम भी अपनी जगह है, गेम खेलने के शौकीन भी थे तो पढ़ने का भी वो था कि डर लगता था कि फेल हो गया तो फिर पूरा गेमिंग बंद हो जाएगी। नहीं, कहता था मैं नंबर लाकर दिखाऊंगा। तो नंबर लाना भी इम्पोर्टेंट था कि अगर नंबर नहीं लाया तो फिर यू नो छुपा दिया जाएगा लैपटॉप या बेच दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो कभी डर होता था तो इसलिए नंबर भी लाना जरूरी था, तो पढ़ाई करते थे। उसके बाद फिर कॉलेज में जब पहुंच गया फिर क्या हुआ? फिर गेम खेलते, तब कॉलेज में जाता था तभी वहाँ आता ही गेम खेलने लगता था कि मेरे को गेम ही खेलना है, फिर कंप्यूटर ले दिया, फिर कंप्यूटर पर खेलने लगता था गेम, मेरे को प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा स्ट्रीमर बन गया है। सुन लो गाइस, स्ट्रीमर बन चुका हूँ मैं और मतलब कैसा लगता है? अब सारा दिन गेम खेलना ही मेरा काम है तो अब क्यों नहीं रोकती? नहीं, अब बहुत अच्छा लगता है, उससे थोड़ी अर्निंग होती है। पहले अच्छा नहीं लगता था पर अब अच्छा लगता है। पहले अर्निंग नहीं होती थी तो पहले लगता था टाइम पास कर रहा है बेटा, पढ़ नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो जो बच्चे लोग अभी देख रहे हैं जिनको लगता है कि वो भी गेम खेलेंगे अर्न करेंगे तो उनका नहीं, नहीं, उनके पेरेंट्स को अपना सपोर्ट करना चाहिए कि मेरे को लगा कि गेम में भी कुछ है, पढ़ाई भी करो और गेम भी खेलो। क्या कहती है वो, पढ़ाई छोड़ के गेम खेलेंगी क्या? नहीं नहीं, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई से भी कैरियर बनेगा, लेकिन गेम भी ठीक है, अच्छा है, तो गेम भी खेलना चाहिए, सब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। गेम खेल के भी कुछ कर सकते हो बट गेम खेलने की वजह से अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई करते रहो और अच्छे नंबर लाते रहो ताकि आपके पास प्राइमरी ऑप्शन पढ़ाई लिखाई से खुला रहे, फिर आप मेहनत करते रहो, गेम आपकी हॉबी है, साइड साइड में खेलते रहो, एंड उसके बाद जैसा भी आपका यू नो स्ट्रीमिंग में है, कॉम्पिटेटिव गेम्स में है, ई स्पोर्ट्स में, जैसा भी आपका है, यू कैन यू नो वर्क हार्ड एंड यू कैन डू ग्रेट स्टफ। पेरेंट्स को देखना चाहिए, जिस तरफ बच्चे को इंटरेस्ट हो तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो देख लो गाइस, अब देखो पहले कैसा नजरिया था, अब कैसे बदल गया है, तो ऐसे आपका भी बदल सकता है, आपके घर वालों का भी बदल सकता है, उसके लिए थोड़ा सा यू नो
आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और मतलब अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। तो मेरी भी आदतें खराब थी, उसको धीरे धीरे सुधारा, उसके बाद यू नो मेहनत करी और आज एक अलग दिन है। गेम के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। चलो अभी हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेम मम्मी खेलेंगी और हम देखेंगे कैसा खेलती है मम्मी। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कमेंट एंड लाइक टू वॉच मम्मी प्ले गेम इन नेक्स्ट वीडियो एंड शी इज रियली बेटर देन सिक वॉरियर।